अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे हॉट एंड सॉर सूप रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 2 खाने के चम्मच तेल डालकर गर्म करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें मक्खन भी शामिल कर सकती हैं, अगर आपको मक्खन का टेस्ट पसंद हो। क्रश की हुई या चॉप की हुई हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे 1 टीस्पून, यानी 2 से 3 लहसुन की जवे लेकर आप इसे कूट लें या फिर क्रश कर लें। चिकन की यखनी हम इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर। ये सिंपल चिकन की यखनी है, इसमें कोई नमक, कोई लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं है। आधा चिकन लेकर मैंने इसे उबाल लिया था, तकरीबन 2.5 लीटर इसमें मैंने पानी डाला और ये उबल कर 2 लीटर पानी रह गया और इसे छान के मैंने इसमें शामिल कर लिया है। जो चिकन था उसके मैंने रेशे कर लिए हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप चिकन के रेशे हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें चिकन क्यूब शामिल करेंगे 1 अदद तोड़कर, या फिर आप इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर सकती हैं 1 टीस्पून। नमक आप हसबे जायका ऐड कर लें और नमक इस स्टेज पर कम ही रखें। अब हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। सब्जियों में 1 कप बारीक कटी हुई गाजर शामिल करेंगे, आप इसे क्यूब्स में भी कट कर सकती हैं। 1 कप हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। 7 ही हम इसमें काले मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। चाइनीज सॉल्ट 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए हम उबालेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसे उबालना नहीं है क्योंकि सब्ज़ियाँ नरम पड़ जाती हैं तो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी मैंने स्टार्ट में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक जाने वाली सब्ज़ी है, बहुत ही नरम पड़ जाती है। तो अब हम इसमें 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच या फिर 1/4 कप। विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप या फिर 4 बड़े खाने के चम्मच। सोया सॉस हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। केचप हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच। और इसके बाद हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। 2 मिनट के लिए हमने इसे उबाल लेना है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। ये 8 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है जिसे मैंने 1/2 कप पानी में घोल लिया था। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लोर कंपनी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रही हैं, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा ही करके शामिल करें जब तक कि आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी ना आनी शुरू हो जाए। एकदम से आपने इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि मैं आपको 8 टेबलस्पून बता रही हूँ। हो सकता है जो मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ वो थिक हो या फिर इसमें वेरिएशंस होती हैं, तो आप बनाकर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें जब तक कि आप देख ना लें कि ये आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है। तो ये थिक हो चुका है। अब हम इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद हम अंडे की सफ़ेदियाँ लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसे मिक्स नहीं करना, हल्का हल्का सा चम्मच चलाते हुए आपने इसे मिक्स करते जाना है। ये सूप हमारा रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट कर लेने के बाद आप इसे अपनी मर्ज़ी के सॉस के साथ सर्व कर सकती हैं। वैसे तो इसे किसी भी सॉस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये खुद परफेक्टली बना हुआ होता है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।